हेलो सिक्स क्लास, ये हमारी वीडियो फोर होगी, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में पहले समझते हैं, इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपने फोर्थ फिफ्थ में भी सीखा होगा, तो उसको थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा कि हाँ क्या चीज़ थी। ठीक है, तो अब हमें ना डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि कोई चीज़ किससे डिवाइड होता है या नहीं होता, जैसे 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9, 10, 11, इससे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में साफ साफ करना है। ठीक है, और जो करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है, आप यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, क्या दिख रहा है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। ठीक है, कि कोई चीज़ किससे, मतलब कि कोई नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे पहला है, किससे है, डिविजिबिलिटी बाय 10। पहले किसका रूल है, 10 से, कि कोई मान लो कोई नंबर है, ठीक है, वो 10 से कैसे डिवाइड होता है, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब कि 10 से डिवाइड होता है या नहीं, अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो। ठीक है, देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको नोटबुक में, पहले तो आपको ये लिखना है, जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पूरा, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले ये डालेंगे टॉपिक। ठीक है, इस आई होप कि आपने पहला एक्सरसाइज कर लिया होगा 3.2। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट डालेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। आप पूरा ये जो लिखा हुआ है बोल्ड कलर से, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होता है, तो आप ऐसे करके पूरा लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया, तो ये नंबर आपको पूरा का पूरा लिखना है। ओके, इसके बाद यहीं तक ही लिखेंगे, ठीक है, यहीं तक ही लिखेंगे, और एक दो अगर हो तो एग्जाम्पल्स दे देना, फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे, पहला पॉइंट हो गया। हाँ, पर जो नोटबुक में मैं समझा रही हूँ कि कैसे, वो अभी नहीं करेंगे, नोटबुक में एक्सरसाइज करेंगे, तो अभी तो सिर्फ ये करना, मैं आपको ये पॉइंट समझा रही हूँ। जैसे डिविजिबल बाय 10 का मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर लीजिए 3, 4, 5, 2, या आपको कॉपी में नहीं करना, मैं ये समझा रही हूँ आपको। तो अब वंस प्लेस पे देखिए, ये वंस प्लेस का डिजिट है ना हमारा, वंस पे, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे होता है, वंस प्लेस पे क्या है, 0। तो अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 10 से करना है ना, तो 10 5 50, 3 बचेगा 1, 4 फिर क्या आ जाएगा, 3, 10 है, तो हम चेक करेंगे किससे, 10 से, तो ये 5 हो गया था, वैसे 10 6 60 भी आता है, क्योंकि बड़ा सा बड़ा लेना होता है जो डिविजिबल होता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3, और आ गया 4, अब आ जाएगा 3 10 30, ठीक है, क्या बचेगा, 4, अब ये 0 है, 0 आ गया, 10 4 40, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो यानी कि किसी भी डिजिट के अगर लास्ट वंस प्लेस पे 0 है तो डिविजिबल बाय 10 होता है। अब इजी है, कितना भी बड़ा कोई नंबर हो, अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये किससे डिवाइड होगा, ये 10 से होगा या नहीं होगा, तो आप बिना डिवाइड किए, इतना बड़ा चेक किए बिना, आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्या वंस प्लेस पे 0 है, अगर 0 है तो ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं होगा। चलो, एक हो गया क्लियर आपका पॉइंट, ये मैंने समझा दिया, पर नोटबुक में सिर्फ आपको यही करना है। ठीक है, जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है, ये वाला पॉइंट और साथ में एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड क्या हो, कैसे होता है, अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। अब ये लाइन आपको लिखनी है पूरा, डिविजिबिलिटी ऑफ ये बोल्ड कलर से जो लिखा है ये पूरा, और एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप इसका भी। ठीक है, अब ये बताते हैं कैसे, मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इसके वंस प्लेस पे या तो 0 हो, या तो मान लो ये नंबर है कोई, या तो 5 हो, वंस प्लेस पे यही है ना, वंस प्लेस पे ये है और वंस प्लेस पे ये डिजिट है। ठीक है, तो अगर वंस प्लेस पे 5 हो या वंस प्लेस पे 0 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। आप इसको जब चेक करेंगे ना, जैसे मैंने ये चेक किया था, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर वंस प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, तो वो पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। आगे डिविजिबिलिटी बाय 2, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपने ये पढ़ा है। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स हैज़ एनी वन ऑफ द डिजिट, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो, इन इन
इन इट्स वन प्लेस, ओके, ठीक है, वंस प्लेस पे हो। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर लेते हैं, या तो उसके वंस प्लेस पे, जैसे वंस समझा ना, वंस प्लेस पे, इधर वाले नंबर पे, या तो जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो वो हमारा टू से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये देखिए 140 है, इसके वंस प्लेस पे क्या है, जीरो, इसके वंस प्लेस पे क्या है, टू, इसके वंस प्लेस पे क्या है, फोर, इसके वंस प्लेस पे सिक्स, एट, तो यानी ये सारे नंबर को जब आप टू से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका रिमाइंडर ना जीरो आएगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, जैसे कि ये डिवाइड हुआ था। समझ में आ गया? अब आगे, और अगर हाँ, इसके अलावा वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, या सेवन हो गया, अगर कुछ ऐसा होता है तो वो टू से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे है डिविजिबिलिटी बाय फोर, ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय फोर इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट टू, यानी कि वंस प्लेस और टेंथ प्लेस इज डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर। इसको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, ये लाइन भी आपको लिखनी है पूरी, ऐसे लिखेंगे डिविजिबिलिटी में बाय फोर, अ नंबर इज, पूरा बोल्ड कलर से जो आपको ये लिखा है यहाँ तक, और एग्जाम्पल भी लिखेंगे इज डिविजिबल बाय फोर, ठीक है। अब कैसे, अब ये मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर कैसे क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, मैं लेती हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए, और वो कह रहा है कि इसके लास्ट के, अभी तक हम वंस प्लेस पे ले रहे थे ना, पर फोर से चेक करने के लिए हमें बोला है वंस प्लेस लो और टेंस वाला प्लेस लो, यानी कि इन दोनों को चेक करो, अगर ये दोनों फोर से डिवाइड हो जा रहा है, अगर ये दोनों फोर से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, वंस टेंस, लास्ट के दो डिजिट क्या है, 24, 24 पर मैंने किससे चेक किया, 4 से डिवाइड करके देख लेती हूँ, 6 4 24, पूरा पूरा डिवाइड हो गई, यानी कि मुझे इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे इतना बड़ा अगर हम डिवाइड करते हैं ना किसी चीज़ को, तो लगता है टाइम, ठीक है, तो ठीक है, तो हमें ना सिर्फ कोई भी नंबर है अगर 4 से चेक करने के लिए बोला है, तो लास्ट के टू डिजिट को डिवाइड करके देख लो, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जब आप डिवाइड करोगे ना 4 से, तो इसको लगेगा टाइम आपको करने में, ठीक है। जैसे आप देखते हैं 4 4 16, कितना बड़ा जाएगा, 16 18, में से 16 गया, बचा 2 3, ठीक है, फोर वन जा फोर, देखो कितना लंबा किया डिवाइड, तो ये भी पूरा हो गया, बट लास्ट के टू डिजिट को आप करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बेटा, क्योंकि जब एक्सरसाइज आप 3.3 करोगे ना, तो इसमें आपको ऐसे ही रफ में सॉल्व करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है या नहीं, 5 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से होता है या नहीं, अगर हो रहा होगा तो येस लिखेंगे, नहीं तो नो, तभी मैं आपको ये समझा रही हूँ, तब आपको ये सारी डिजिट यूज़ करने, मान लो ये डिजिट है तो इसको 2 से भी चेक करना है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ठीक है, और चेक करने के बाद अगर डिविजिबल है तो 2 से यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे, और इसमें आपको ना यही जो रूल्स समझा रही हूं मैं आपको, ये रूल्स हेल्प करेंगे, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स लास्ट 300 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अब ये समझते हैं, इसमें भी आप ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएंगे, आपको बार बार ना देखना नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा इजी हो जाएगा काम डिवाइड करना, तो आप ऐसे करके एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा ये लिखेंगे, उसके बाद अब मैं समझा देती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब मान लीजिए इसमें बोल रहा है कि ना, अभी तक हमने दो प्लेस लिया ना, अगर हमें किसी को 8 से चेक करना है, ठीक है, तो हमें ना 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि इधर से लेंगे, पीछे से लास्ट के 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, और उसको किससे डिवाइड करके चेक करना है, 8 से, पूरा नहीं करते, 8 से चेक करते हैं, 8 1 8, 4 बचेगा 48। अब बताओ 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब ये कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी, पूछ लेते बताओ ये किससे डिवाइड होगा, तो आपको ये पूरा चेक नहीं करना, ठीक है, अगर 8 से पूछा है बताओ कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, पूरा डिविजिबल है या नहीं है, तो आप लास्ट के 3 को चेक कर लो, चलो चेक करते हैं पर, ठीक है, लास्ट के 3 को चेक कर लो, अपने आप पता चल जाएगा ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बचा 6, इसमें 8, 8 8 जा 64,
ठीक है। और 8 8 64 के बाद अब आता हूँ 68 में से 64 गया क्या बचा 4, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ? नहीं, क्योंकि क्या बच गया 4 बच गया। अगर कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर 0 आता तो ये पूरा डिविजिबल होता, पर यहाँ पे 4 बच गया ना रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बच गया 4, तो यानी कि ये पूरा का पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि हमें अगर किसी भी नंबर को चेक करना है तो तीन डिजिट, लास्ट के तीन डिजिट को चेक कर लो 8 से डिवाइड करके, अगर हो रहा हो तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब है डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मान लीजिए ये क्या कह रहा है, इधर भी आपको ये पूरा लिखना है कि क्या है पूरा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पूरा का पूरा। अब अच्छा ये समझा देती हूँ कैसे। मान लीजिए कि 3 2 7 है, हाँ, अब इसमें ना क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। चलो 3 + 2 + 7 कर लेते हैं, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12। अब बताओ क्या 12 3 से डिवाइड है? 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, रिमाइंडर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा 3 2 7, ये डिविजिबल बाय 3 होगा। अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो सबको जोड़ दो। ठीक है, 6 4 10 10 में 6 ऐड किया 16, ठीक है, 16 में 7 ऐड किया तो क्या बचेगा 23, ठीक है, 23 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27, 27 में 2 ऐड करेंगे तो 28 29। ठीक है, आप बताएंगे, आप वही चेक करेंगे कि इसको जोड़ के जो भी डिजिट आ रहा है क्या वो 3 के से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, अगर हो सकता है तो ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 का भी यही है, ये भी आप लिखेंगे पूरा। ठीक है, ये भूल मत जाना, इधर बोल्ड कलर से नहीं लिखा, पर ये भी आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ये भी आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई नंबर है, 9 से बता देती हूँ, 4 5 9, ये भी 3 की तरह सेम है, इसको ऐड कर दो। 9 में 5 ऐड किया क्या आ जाएगा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। अब इस 18 को चेक कर लो भाई कि 18 9 से डिवाइड है कि नहीं है, है, तो 18 जो हमने ऐड करके जो आया, तो यानी कि ये 4 5 9 भी 9 से डिवाइड होगा। अगर नहीं है तो एक बार देख लेते हैं, 9 5 45, 9 1 9, हो गया ना पूरा पूरा डिवाइड। यानी कि इजी तरीका, अगर 3 से भी ऐड कर दो, सम कर दो, और 4 से भी सबको जोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिविजिबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं। ओके बेटा, तो आपको अब ये काम है कि बस ना मैंने आपको ये सारे तो बता दिए, ठीक है, तो आपको ये पहले लिखना है, और एक चीज़ और करना है, अभी नोटबुक में सिर्फ आप इतना काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ना 11 वाला और ये 6 वाला, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, 2 3 4 5 करवा दिया मैंने आपको, 9 भी करा दिया है, 10 भी करा दिया। ठीक है, सिर्फ बच क्या गया है 6 वाला और 11 वाला। ठीक है, ये लाइन जो है रहने देना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको सिखाऊंगी कि कैसे चेक करते हैं 6 और 11 वाला। बाकी सब आपको ये बुक में ही येस और नो डिविजिबल है या नहीं, आपको खुद रफ कॉपी में किसी में भी फेयर में आप लोग ये काम करेंगे। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल है वो लिखेंगे, और रफ में कहीं पे भी सबको चेक करके कि 2 से हो रहा है नहीं, 3 से हो रहा है नहीं, 4 से हो रहा है नहीं, सबको चेक करके येस नो लिखेंगे। बस 6 वाला और 11 वाला रहने देना। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तब तक ये काम आप करके रखेंगे, अपनी बुक में ही रखेंगे और रफ करेंगे और रफ में सॉल्व करके करेंगे। ठीक है।